we gon' burn it down. Burn it down. Hi guys, this is me, Alice Swift. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog and बहुत ही धमाकेदार vlog में लेके आई हूँ. And especially ये bike lovers के लिए है, स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए है. एंड मेरे पीछे आप दिख रहा होगा ये तिरहुत बजाज का शोरूम एंड ऊपर में केटीएम का शोरूम है. तो मैं यहाँ पे आई हूँ पल्सर लॉन्च पे. वैसे भी इस जगह से जो है ना मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास केटीएम 390 है जो कि मैंने यहीं के केटीएम से लिया है. एंड मेरे भैया के पास भी एवेंजर है जो कि यहीं से लिया हुआ है. तो काफी सारे पहले से ही यादें जुड़ी हुई है. एंड आज है पल्सी का लॉन्च और वो थोड़ी ही देर में होने वाला है. तो हम लोग उसके जो भी यू नो न्यू मॉडल आया है तो उसका लुक कैसा है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स वो सब हम दिखाने वाले हैं. है कहाँ पे वो तो आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ. ये जो भगवानपुर ओवरब्रिज है उसके नीचे है. वैसे मैप लोकेशन एंड फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो जरूर चेक कीजिए. एंड चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस हम आ गए शोरूम में. आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ग्रीन कारपेट पे रेड पड़ी जिसका हम थोड़ी देर के बाद लुक देखने वाले हैं. काफी सारे गेस्ट आ चुके हैं, बस थोड़ी देर में जो है इसका लुक जो है रिवील हो जाएगा. एंड या जो भी फीचर्स होंगे वो सब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब ये पर्दा जो है उठ जाएगा. पल्सर जो एक ब्रांड है हमारा जिसके बारे में हमको लगता है कि आप सभी लोग वाकिफ होंगे. पल्सर 250 सीसी नए रूप में बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है जिसको आज तिरहुत बजाज ने नॉर्थ बिहार के सबसे पुराने डीलरशिप में आज लॉन्च आप लोग के सामने किए जा रहे हैं. शोरूम के बारे में भी बताएंगे, बट उससे पहले ये जो आज लॉन्च हुआ है वो पल्सर 250 का लॉन्च है. एंड इसका लुक भाई आप देखते ही ना फिदा हो जाओगे अगर आप बाइक लवर हो तो. एंड यहाँ पे दो आपको कलर्स भी दिख रहे हैं, ये रेड में दिख रहा है एंड वो दिख रहा है आपको ब्लैक में, लाइक थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का भी मुझे दिख रहा है वो. ये वाला जो है वो पल्सर N250 है एंड वो वाला पल्सर F250 है. तो ऑलमोस्ट फीचर्स दोनों के सेम है, थोड़ा सा लुक में जो है वो डिफरेंस है एंड जिस वजह से प्राइसेस में भी थोड़ा सा हल्का अप एंड डाउन है वो मैं बाद में बताऊंगी. पहले बताती हूँ यहाँ के फीचर्स. सबसे पहले तो आप इसका बॉडी देखिए, इसका मतलब मैं अभी सारा सिनेमेटिक शॉट्स दूंगी बट उससे पहले आप इसका लुक देखिए. ये पूरी स्पोर्ट्स बाइक की तरह आया है एंड इसका ये जो है ना ये जो टैंक है ये पूरा मस्कुलर टैंक क्योंकि ये काफी हैवी लुक देता है एंड बहुत ही अच्छा लगता है. इसकी जो यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ वो भी एक अलग ही यू नो एक बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है. उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर LED होता है. जो भी बाइक जो भी राइडर्स होंगे उनको पता है कि इसका क्या फीचर्स होता है, लाइक ये ज्यादा एरिया को कवर करता है. उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही अच्छा अगर आप ज्यादा लंबा राइड्स करते हैं
तो हमारे हमेशा प्रॉब्लम्स होता है, मैं भी राइड करती हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है, हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है, पावर बैंक डिस्चार्ज होता है, तो उसको आप चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो है देख सकते हैं USB चार्जिंग पॉट है जहां से आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी चीजें USB से कनेक्ट हो सकती है वो सब आप चार्ज कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का लुक है। एक्स जो है वो मैं बताती हूँ, इसका प्राइस जो है वो 1X showroom प्राइस में बता रही हूँ 1,40,900 का है। सो ये आप लुक देखिए, उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊंगी। बात करते हैं पल्सर F250 के बारे में। एंड ये कुछ कलर आप देख सकते हैं, ग्रेस ब्लैक इस कलर में है। एंड इसका भी बॉडी बिल्कुल उसी तरह का, थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंजेस दिखेगा, ये जो आगे का आप देख रहे हैं इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस वजह से इसके प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा हाई है, लाइक 1,42,000 का है। बाकी सारे फीचर्स जो आपको उसमें मिलेंगे वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सो अब इसका भी आप लोग बिल देखेंगे। जो भी बाइक्स दिखाना था वो तो दिखाई दिया, बट क्यों ना यहाँ पे आए हैं तो कुछ फायदा उठाया जाए, लॉन्च के अलावा यहाँ पे जो भी बाइक्स है वो भी दिखाया जाए। सो दैट आपको, आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो उसके अलावा अगर कोई और भी बाइक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो इतना कुछ डिटेल तो मैं नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए यहाँ के जो भी एक स्टाफ है उनको बुलाते हैं, रंजीत जी को बुलाते हैं और वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोग जो है ना सबसे कम वाले रेंज से जो है सबसे हाईएस्ट रेंज तक बढ़ेंगे। सो लेट्स वेलकम रंजीत जी, और आप हमें बता दीजिए क्या क्या बाइक है, कैसे कैसे है। मैं जो है सबसे कम जो है कीमत में मेरा CT 100cc है गाड़ी है, जो कीके स्टार्ट वर्जन में है। इससे ऊपर हम आते हैं तो CT 110cc एक्स है। आप ऊपर बढ़ते हैं तो प्लैटिना रेंज में आते हैं, प्लैटिना 100cc बाइक है। ऊपर बढ़ते हैं तो प्लैटिना ही रेंज में मेरे पास 110cc में है। इसके बाद हम इसे ऊपर आते हैं तो हमारे पास पल्सर रेंज में है, पल्सर 125 के रेंज में, तीन रेंज में है, डिस्क में है, ट्यून डिस्क में है, उसके बाद जो है सो ड्रम वेरियंट में भी है। उससे ऊपर आते हैं तो पल्सर 150cc सेगमेंट में गाड़ी है, इसमें भी दो वेरिएंट में है। आपको जो है स्टैंडर्ड पल्सर 150 स्टैंडर्ड का यहाँ पे कलर लगा हुआ है, उसके बाद दो कलर जो है आपको ट्यून लिस्ट में भी मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं इधर में थोड़ा सा स्पोर्टी लुक एंड स्पोर्ट्स बाइक की तरह। स्पोर्ट्स बाइक में 125 हो गया मेरा ये। उसके बाद आगे आते हैं 160 में, यहाँ पे 160 हो गया, NS में ही है। उसके बाद 200 में भी जो है NS में आपको मिल जाएगा यहाँ पे गाड़ी है। उसके बाद हम थोड़ा इसे हेवी रेंज में चलेंगे एवेंजर के पास। ओके गाइस, अब चलते हैं एवेंजर, जो कि मेरे भैया के पास में है, वो हम दिखाते हैं। सो गाइस, अभी जो है एवेंजर के पास में है। एंड एवेंजर की तो मैं क्या ही तारीफ करूं भाई, मेरे घर में भी खुद है, मैं एवरी डे उस पे बैठती हूँ। एंड उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे दो टाइप से है, लाइक 160 एंड 220 पे है। और बुलेट के बाद कोई दूसरा ऑप्शन लोगों को दिखता है तो यही दिखता है। एंड मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे जैसे कम हाइप वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं बैठ के दिखाती हूँ, लाइक इस दोनों का लुक बहुत अच्छा है बट इसका लुक थोड़ा ज्यादा अच्छा है। सो गाइस, पल्सर दिखा दिया, पूरा शोरूम दिखा दिया, सब कुछ बाइक्स तो दिखाई दिए। तो अगर आप लोग बाइक लेते हैं तो उसकी तो सर्विसिंग भी करानी होगी, तो सर्विसिंग कहाँ से कराएंगे? तो चलिए अब सर्विस सेंटर पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ का लुक कैसा है। गाइस, इसका सर्विस सेंटर जो है वो आप अगर मारीपुर साइड से आते हैं तो शोरूम से पहले ही है, और इस तरह से आप आ सकते हैं। यहाँ पे हमेशा जो है वो जो भी बाइक के पार्ट्स होते हैं उसका स्टॉक हमेशा यहाँ पे रखा होता है, और हम उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कस्टमर्स के लिए वेटिंग का एरिया है, काफी अच्छे बैठने के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट है।
प्लस यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत ही अच्छा फीचर है कि यहाँ पे ये पूरा ग्लास का है, जिस वजह से आपका जो भी बाइक की सर्विसिंग होती रहेगी वो आप लाइव यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज ऑलमोस्ट जितनी कुछ बताना था सब कुछ सारा कुछ मैंने कवर कर लिया। एंड या वीडियो को एंड करने से पहले कुछ और इन्फो देना चाहती हूँ। इस शोरूम को, इस यहाँ के डीलरशिप को हुए 35 इयर्स हो चुके हैं, पल्सर को ही सिर्फ 20 इयर्स हो चुके हैं। एंड या मैंने बताया ही आप लोगों को कि यहाँ का एड्रेस पहले भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल एड्रेस, मैप लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मैं डाल दूंगी। वैसे ये जो है आप ये भगवानपुर वाला जो है ओवरब्रिज उसके नीचे है। एंड या सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, जो भी था मैंने सारा शोरूम आप लोगों को दिखा दिया। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से गाड़ी ली है पहले तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आप लोग राइड कर रहे हैं, क्या क्या है, वो सब चीज हमारे साथ आप कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।